था वो हमारे घर से अपना घूसकांड बचा लिया। ये याद रखना, बिल्कुल आप समझदारी रखना इस बात की कि प्रमुख सचिव जिस पर रिश्वत के आरोप हैं, उसके तो दबाव बना करके एक उससे कहलवा दिया कि मेरा मानसिक संतुलन खराब था। ये तो वही बात हुई कि ऐसो अपना पोस्ट करा लो, जिसपे चाहो उस पर चरस लगा दो, जिसपे चाहो उस पर कार्रवाई करा दो। क्या न्याय की उम्मीद करेगा कोई? और सोचो प्रमुख सचिव, ये प्रमुख सचिव की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं कि बताओ उनके भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। और ध्यान हटाने के लिए हमारे घर की टोटी दिखा रहे हो? अरे हमें बता देना कौन सी टोटी है। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री आवास में चले जाना, सरकारी आवास में जो अभी है, जहाँ रहते हैं मुख्यमंत्री खुद। जब दाएं और बाएं देखेंगे जो जाली दिखाई दे रही है वो समाजवादी लोगों की बनाई हुई है। हम तो कहते हैं हमारा बेडरूम दिखाते, बच्चों का बेडरूम क्यों नहीं दिखाया उन्होंने, या और गेस्ट हाउस रूम तो क्यों नहीं दिखाए, केवल एक खेल का जगह दिखाई, वो हमारी थी, हम ले गए अपना, क्योंकि तुम तो दोगे नहीं अगली जगह जहाँ पे घर पे रहने जा रहे हैं। तुमने तो 15 दिन दिए थे कि 15 दिन में सब सामान समेट ले जाओ, अब हम अपना सामान ले जा रहे हैं तो तुम्हें आपत्ति है। और टोंटी की बात है, कल या परसों मैं प्रेस करूंगा, जो कंपनी की तुम्हारी टोंटी है, जो तुम्हारी बर्बादी है वो दे देना, और जो तुम्हारा मुख्यमंत्री आवास में नहीं है वो भी वापस कर देना। मुख्यमंत्री के आगे उसके आंखें, उनके सामने बिल्डिंग तोड़ दी गई, एसी हटा लिए गए, ये कौन जिम्मेदार है उसके लिए? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि